एक बात मुझे ये कहना चाहूंगा कि इसी बात से जुड़ी हुई बात शेखर भाई सिद्धू साहब की, कि दोनों हंसते हैं, दोनों बहुत प्यारा हंसते हैं। सिद्धू साहब के हंसने की तो दुनिया में तारीफ है। जो आदमी हंसी खुद इनसे पना मांगती है, हंसी बोलती है कि गुरुजी कैसे हैं आप। शेखर भाई ने बहुत सारे जोक सुने हैं, अब सिद्धू साहब सुनना शुरू करेंगे, अगली बार हो सकता है कि अगली बार शायद ना हंसे। तो जब सिद्धू साहब हंसते हैं क्या जोक था शेखर साहब का, क्या था ये जोक था? अच्छा अच्छा, जब शेखर साहब हंसते तो सिद्धू साहब कहते हैं क्या था ये। क्या तालमेल मिलाया गुरु, क्या तो कंपटीशन तो यही पर है। तो जैसा कि शेखर भाई ने मुझसे कहा कि कैसा लग रहा है, बहुत सारे लोग एप्रिशिएट करने आ जाते हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद। बिल्कुल, एक आपने भाई के साथ में आया है, ये हो। और टीवी पे प्रोग्राम आते हैं ना वो। इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक साहब ने तो मेरे साथ में जो बॉम्बे आए थे वो वीटी में कूली बन गए बेचारे, तो वो उसका उसके बयान देखिए क्या है। वो तो साथ ही में आए थे हम लोग, साथ में किस्मत आजमाने आए थे। हमने एक्चुअली क्या ज्योतिष से बोल दिया था, ज्योतिष ने हमको बोल दिया था कि तुम दोनों के नाम के साथ माल लग जाएगा। तो वो तो माल कमा रहा है, मेरे साथ भी हमाल लग गया है। और हमने शुरू से सोचा था कि जनता की सेवा करना है, मैं भी जनता की सेवा कर रहा हूं, वो भी सेवा कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, अरे वो टीवी में छाया है ना, मैं वीटी में छाया हूं। उसके पास टीवी का प्लेटफॉर्म है, मेरे पास वीटी का प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छे अच्छे अपने अपने फन में माहिर अलग अलग अंदाज के लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए, सबका टिपिकल स्टाइल है। जैसे पराग कंसारा, किसी जोक का रिस्पॉन्स अपने पर लेना नहीं चाहते, मैंने सुना दिया आप सोचो। मैं और मेरे चाचा हम लोग शॉपिंग करने गए थे। चाचा ने देखा, चाचा ने वहां पर देखा। अब क्या, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके बीच फिर आऊंगा। थैंक यू।